Assalamualaikum, hello everyone. I am Chef Zubair and welcome to Zubu's Kitchen Cooking with Love. आज हम बनाने वाले हैं एक वेज डिश जो होटलों में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाती है और बनाना बहुत आसान है, टेस्टी भी है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, जिसका नाम है बटर पनीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो ये इसमें मैंने डाला है 3 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग और 10 काली मिर्च। ये खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करके इसमें हम डालेंगे प्याज। तो ये 2 प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और प्याज को हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। अब ग्रेवी की थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ 8 काजू और 1 चम्मच खरबूजे के बीन्स। आप सिर्फ काजू या फिर सिर्फ खरबूजे के बीन्स भी डाल सकते हैं, या फिर दोनों ना डालो तब भी अच्छा लगता है। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और नेक्स्ट इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये 3 बड़े टमाटर है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और प्रेफरेबली आप इसमें हाइब्रिड टमाटर ही यूज़ करें। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, हसबे जायका नमक, 5 सूखे लाल मिर्च, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10 से 15 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने मोटा कट कर लिया है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। अब इसे हम ढककर 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। 8 से 10 मिनट तक मैंने ये मिक्सचर को अच्छे से पका लिया है। टोमेटोज गलकर बहुत सॉफ्ट और मशी हो गए हैं, ये हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो अब इसे हम टोटली ठंडा होने देंगे, उसके बाद में थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और अब जो ये पेस्ट हमने बनाया है उसको हमें छानना है। तो एक बड़ी सी छन्नी लेकर उसमें ये पेस्ट डाल देंगे और चम्मच की मदद से उसको अच्छे से छान लेंगे और जो बाकी मोटा पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं उसको हम निकाल देंगे। और ये हमारा बटर पनीर का जो बेस है, ग्रेवी है, वो तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो चलिए अब बटर पनीर बनाते हैं। तो बटर पनीर को बनाने के लिए एक बड़े से पैन में हम लेंगे 1.5 से 2 चम्मच घी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता और जो हमने बेस बनाया है ग्रेवी का वो इसमें डाल देंगे। अब ये जो बेस हमने इसमें डाला है इसको हम घी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो नॉर्मली जब हम कुकिंग करते हैं तो जब तक मसालों से तेल अलग नहीं होता है तब तक हम इसे पकाते हैं, लेकिन इसमें जब तक मसालों के अंदर ये टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा घी, तब तक इसे हम पकाएंगे। घी और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बार मिक्स करेंगे और इसे हम ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे। ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक चुकी है ये ग्रेवी। इसमें अब हम डालेंगे क्रीम। तो ये घर की क्रीम है, तो 3 से 4 चम्मच इसमें हम क्रीम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शक्कर और नमक भी एडजस्ट करेंगे। शक्कर के बजाय आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हम डालेंगे पनीर के पीसेस। तो ये 250 ग्राम पनीर है जिनको मैंने ऐसे शेप में कट कर लिया है। पनीर के पीसेस को हमें ग्रेवी में डिप करना है, मिक्स नहीं करना है। इनको हल्के से ऐसे डिप कर देंगे और बस इसे अब हम ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और पनीर भी बहुत अच्छे से पक चुका है और ये हमारा बटर पनीर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी रिच ग्रेवी बनी है। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है ग्रेवी का, हल्का सा स्वीट, हल्का सा स्पाइसी, बहुत ही माइल्ड और सटल फ्लेवर वाला ये बटर पनीर आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपने देखा भी कि बनाना कितना आसान है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। तो चलिए अब सर्व करते हैं।
तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बना है। बहुत बेहतरीन बना है, थोड़ा सा तीखा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप भी रेसिपी जरूर ट्राई करें और फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।